Good morning, students. Welcome to you all in bio class. Today we are going to start with the topic unicellular and multicellular organisms. What are unicellular organisms? Organisms which are made up of only one cell are known as unicellular organisms. For example, amoeba, chlamydomonas, paramecium. Unicellular organisms live independently in nature, and that single cell is capable of performing all the life processes. Kaunsi life processes? Respiration, excretion, digestion, growth and reproduction. Ek hi cell sare kaam kar raha hai na? To ab multicellular organisms kya hote hain? Multicellular organisms are those organisms which are made up of many cells. For example, plants, animals, including human beings. Okay, and multicellular organisms have come into existence from a single cell. Multicellular organism have come into existence from a single cell. ये हमने cell theory में भी discuss किया था कि all cell arise from pre-existing cell. एक example बताते हैं आपको इसमें. Fertilization of egg with sperm result in the formation of single cell. And that single cell divide and redivide and form the multicellular body. Okay? तो इस स्लाइड में अगर आपको कोई डाउट है तो हैंड रेज कीजिए. Now, what are the unicellular organism and what are the multicellular organisms are clear to you all? Yes, ma'am. Next है division of labor. Division of labor means different parts of the body परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. डिस्कस करते हैं ह्यूमन बींग्स में. अब ह्यूमन बींग्स में देखिए हर एक बॉडी पार्ट्स अपना अलग अलग काम कर रहे हैं. जैसे कि लंग्स हैं, लंग्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. हार्ट पंप्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, और स्टमक डाइजेस्ट द फूड वी ईट. ऐसे हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट अलग अलग फंक्शन कर रहा है. देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर. Division of labor means different parts of the body perform different functions. अगर एक organ एक particular function कर रहा है, means उसमें specialized cell है. All these organs consist of specialized cell to perform the particular function. जैसे कि अब देखिए special type of muscle cells in a heart is known as cardiac muscles. हमारे हार्ट में एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, दैट मसल सेल आर नोन एज कार्डियक मसल्स, जिसकी वजह से वो क्या करता है, एक कंटिन्यूस कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है और कभी भी टायर्ड नहीं होता. ठीक है ना, अगर वो मसल्स ने वर्क नहीं किया तो आप सोच सकते हो कि हार्ट ब्लड पंप नहीं करेगा. ठीक है, टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. ओके, अगर जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी में मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, सिमिलरली सेल में भी क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर. अ सेल आल्सो हैज डिवीजन ऑफ लेबर. ईच सेल पोजेस स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट दैट आर नोन एज सेल ऑर्गेनल्स. अब सेल के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं. सेल के अंदर जो लग सेल में जो कंपोनेंट्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. दैट्स व्हाई अ सेल आल्सो हैज डिवीजन ऑफ लेबर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस शेप एंड साइज ऑफ सेल्स. सेल्स आर स्फेरिकल, इलोंगेटेड, स्पिंडल शेप्ड, ब्रांच्ड, एंड सम सेल्स नॉट हैव अ फिक्स शेप. फॉर एग्जाम्पल अमीबा. अमीबा की जो शेप है वो क्या, इररेगुलर है. अब इस स्लाइड्स में देखिए आपको ओवम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फैट सेल, बोन सेल, स्पर्म, स्मूथ मसल सेल्स और नर्व सेल्स दिखाए गए हैं. अब इन सब की सेल, इन सब सेल्स की शेप देखिए क्या है, डिफरेंट है. ओके, अब नेक्स्ट है साइज. सेल्स आल्सो डिफर इन द साइज. डायमेंशन ऑफ सेल इज एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोमीटर. वन माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, माइक्रोमीटर को हम लिखते हैं म्यू एम. वन माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10^-6 मीटर.
या फिर किसमें एक्सप्रेस करते हैं एंगस्ट्रॉम में, एंड वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर. नोट कीजिए, स्मॉलेस्ट सेल PPLO, लार्जेस्ट सेल ओस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल नर्व सेल. Each cell has three main parts: plasma membrane, nucleus, and cytoplasm. First of all, we will discuss plasma membrane, and plasma membrane is also known as cell membrane. Plasma membrane or cell membrane. Plasma membrane, it is the outermost covering of cell. It is the outermost covering of cell. Plasma membrane or cell membrane. Which separates the contents of cell from its external environment. And it is made up of organic molecules known as lipids and proteins. अब देखिए ये वाली लेयर इसको क्या बोलते हैं, लिपिड लेयर, और ये क्या इसमें प्रोटीन्स. ये भी लेयर कौन सी है, लिपिड लेयर. ओके, प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plasma membrane is outermost covering of cell that separates the content of cell from its external environment. Second, हमने क्या इसमें बताया आपको, it is made up of organic molecules known as lipids and proteins. Okay. Now, plasma membrane allows or permit the entry and the exit of some materials in and out of cell. It also prevents the movement of some other material. That's why it is known as selectively permeable membrane. Selectively permeable membranes means कि जो plasma membrane है वो कुछ selected material को ही permission दे रहा है कि वो cell के अंदर enter कर सकते हैं और वो exit कर सकते हैं. एक जो हम discuss करने जा रहे हैं वो है transport across cell membrane. Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by the process of diffusion. By the process of diffusion. Now, what is diffusion? Diffusion is movement of substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ डेफिनेशन डिफ्यूजन की. It is the movement of substance from the region of high concentration to a region where its concentration is low. इस स्लाइड पे जो पिक्चर गिवन है उसमें देखिए वॉटर में क्या ऐड किया जा रहा है, इंक. ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई. और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो. अब मूवमेंट कहां से होगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन. ओके, समथिंग सिमिलर हैपन्स इन द सेल व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल accumulates in high concentration inside the cell. अब ये सेल है और सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, हाई कॉन्सेंट्रेशन. ओके, एंड इन सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, लो. अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सेल के अंदर में
कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो गया डिफरेंस, सेल के अंदर क्या है हाई कॉन्सेंट्रेशन, सेल के बाहर क्या है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, एज सून एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द सेल, दैट इज फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, सिमिलरली विद ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन सेल के अंदर अगर कम है, यहाँ पे क्या है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन O2. ठीक है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यहाँ पे क्या हो गया हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. अब क्या होगा ऑक्सीजन मूव्स इन, दैट इज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. क्लियर. सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीजेस. नोट डाउन, डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैशियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट. अब इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, डिफ्यूजन हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ओके, वन थिंग मोर, द फ्लावर ऑफ प्लांट्स स्प्रेड अरोमा थ्रू डिफ्यूजन. नॉट डिफ्यूजन इज क्लियर टू यू ऑल? ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि वाटर किस तरह से मूव करता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वाटर का मूव करना थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस. द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर. ओके, सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ high water concentration to the region of low water concentration through semi-permeable membrane, that is plasma membrane. Water ke molecules ka move karna from high water concentration to low water concentration kiske through? Plasma membrane ke through, that is selectively permeable membrane, is known as osmosis. फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं ऑस्मोसिस का. इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल. अब हम क्या करते हैं, सेल को रख देते हैं ऐसे मीडियम में जहां पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है. ये सेल और ये सेल का मीडियम. If the medium surrounding the cell has high water concentration, means solution is very dilute. ठीक है, अब सेल के बाहर क्या है वॉटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या ज्यादा है, और सेल के अंदर वॉटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है कम है, लो वॉटर कॉन्सेंट्रेशन. ऑस्मोसिस क्या है कि वॉटर के मॉलिक्यूल का मूव करना, कहां से, फ्रॉम हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन. अब क्या होगा कि हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से ये क्या सेल है, सेल के बाहर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो क्या है सिलेक्टरी परमिएबल मेम्ब्रेन है. ओके, यहां से हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर के मॉलिक्यूल मूव करेंगे कहां पे, जहां पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है कम है, and the cell will gain water by osmosis. अब what cell ने क्या किया, water gain कर लिया तो उसकी क्या हो जाएगी, swelling, and this entry of the water molecule and this process is known as
एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस नोट कर लीजिए, एंडोऑस्मोसिस एंड सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है दे आर फ्री टू पास थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन, एंट्री भी हो रही है एग्जिट भी हो रहा है, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। इसलिए अगर हम ओवरऑल रिजल्ट देख रहे हैं तो वो क्या है कि वाटर एंटर्स द सेल और सेल की क्या हो रही है, स्वेलिंग हो रही है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोस्मोसिस। इसको एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं कि हमने यहाँ पे देखिए पिक्चर में रेजिन्स को डिप किया हुआ है किसमें, वाटर में, ठीक है। अब बाहर क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन रेजिन्स के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन। अब वाटर के मॉलिक्यूल मूव कहां से करेंगे, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो सेल विल गेन वाटर बाय द ऑस्मोसिस और क्या हो जाएगी इसकी भी, स्वेलिंग, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस। ये आप करके भी देख सकते हो कि आप रेजिन्स लीजिए और उसको वाटर में डिप कर दीजिए और कुछ देर के बाद देखिए कि उन रेजिन्स की क्या हो जाएगी, स्वेलिंग, ओके। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इफ द मीडियम हैज सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल। अब हमने क्या किया है, सेल को उस मीडियम में रख दिया है जिसमें सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, ठीक है। और हमें ये पता है कि वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन बोथ द डायरेक्शन। अब इस केस में क्या है कि द अमाउंट गोइंग इन इज सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, सो देयर इज नो ओवरऑल, देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, नेट मूवमेंट नहीं है, तो सेल का साइज क्या होगा, सेम सेम रहेगा साइज, ना तो उसकी स्वेलिंग होगी, ना ही वो श्रिंक होगा, ना उसका साइज ज्यादा होगा, ना उसका साइज कम होगा, वो क्या रहेगा, सेम। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट केस है, इफ द मीडियम हैज लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। अब हमने सेल को ऐसे मीडियम में रखना है जहां पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है इन कंपेरिजन टू सेल। ये सेल है और सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हाई है और बाहर सल्यूट ज्यादा डिजॉल्व है इसमें, इट मींस जो सॉल्वेंट है वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पे लो। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, वी नो की वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन बोथ द डायरेक्शन, बट दिस टाइम more water leaves then but this time more water leaves the cell than enters it, ठीक है, क्योंकि movement हम क्या कहते हैं कि from high concentration to low concentration, तो इस case में क्या होगा, cell क्या हो जाएगा, shrink हो जाएगा, there is a shrinkage of cell, okay, क्योंकि cell ने क्या कर दिया है, cell will lose the water by the osmosis and such solution is known as hypertonic solution। ये आप experiment करके भी देख सकते हो, grapes लीजिए, grapes को आप dip कर दीजिए, strong solution of sugar means अगर strong solution of sugar है तो means यहाँ पे water की concentration क्या है, low, ठीक है, और grapes के अंदर क्या है, high, हाई कॉन्सेंट्रेशन से वाटर किस तरह मूव करेगा, लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, इट मीन्स जो ग्रेप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। इसमें हमने क्या डिस्कस किया है, व्हाट इज ऑस्मोसिस,
एंडोस्मोसिस क्या होता है, एक्सोस्मोसिस क्या होता है, और हमने तीन टाइप के सॉल्यूशन डिस्कस किए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, नाउ अदर एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स फ्रॉम द सॉइल। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स फ्रॉम द सॉइल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, फर्स्ट हमने डिस्कस किया आपके साथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डिवीजन ऑफ लेबर, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। नेक्स्ट हमने डिस्कस आपके साथ किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस।